दुनिया के मशहूर नेताओं में शुमार नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। इनके पिता का नाम स्वर्गीय दामोदर दास मूलचंद मोदी और मां का नाम हीराबेन है। नरेंद्र मोदी 5 भाई और 1 बहन है। नरेंद्र मोदी की शुरुआती शिक्षा उनके घर के पास एक स्कूल में हुई थी। बाद में उन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालय वडनगर गुजरात से अपनी आगे की पढ़ाई की। 12वीं पास करने के बाद मोदी गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद में पढ़ाई के लिए गए। नरेंद्र मोदी ने राजनीति शास्त्र में ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने राजनीति शास्त्र में ही एमए भी किया है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के राजनीतिक सफर की बात करें तो उन्हें साल 1988 में बीजेपी गुजरात यूनिट के संगठन का सचिव बनाया गया था। साल 1995 में मोदी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद पर चुना गया था। मई 1998 में मोदी बीजेपी गुजरात के महासचिव बने थे। नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और मई 2014 तक मुख्यमंत्री बने रहे। वर्ष 2014 के आम चुनाव में इनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित किया गया था। 2014 में इन्होंने वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ा और बंपर जीत हासिल की। 26 मई 2014 को ये देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। 2024 में उनका प्रधानमंत्री पद का लगातार तीसरा कार्यकाल है। 27 फरवरी 2002 को गुजरात में स्थित गोधरा कांड मोदी के जीवन का सबसे बड़ा विवाद रहा, जिसमें इन्हें एक लंबे समय के बाद कोर्ट से क्लीन चिट मिली थी। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर के पीछे भी नरेंद्र मोदी को दोषी माना जा रहा था, लेकिन इसमें भी उन्हें क्लीन चिट मिली। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म भरा तो इसमें पहली बार उन्होंने अपनी पत्नी के नाम का जिक्र किया था, जिसकी वजह से पूरे भारत और मीडिया में इनके वैवाहिक जीवन के बारे में लोगों ने कई सवाल उठाए। तब इन्होंने बताया था कि उन्होंने अपनी पत्नी को देश और समाज की सेवा के लिए त्याग दिया था। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने, पहली बार 2014 में, दूसरी बार 2019 में और तीसरी बार 2024 में। ब्यूरो रिपोर्ट, एनपीजी न्यूज़।